हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग साथ बहुत ही कमाल की किचन टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके घर के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपने किचन टिप्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टिप्स है हमारा इस तरीके के सुई और धागे को लेकर के। तो क्या होता है ना, हमारे घरों में बहुत मतलब इस सुई धागे का जो भी काम होता है, तो हम क्या करते हैं, सुई में धागे नहीं डाल पाते हैं। हमारा आँख जो है वो काम नहीं करते रहता है इसमें, ये बहुत ही हार्ड वर्क की तरह लगते रहता है। तो मम्मी हो या फिर दादी नानी, किसी से भी नहीं होते रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये बहुत ही आसानी सा मतलब ये इस तरीके से देख रहे हैं, ये नहीं जा रहा है इसके अंदर, बार बार से साइड से निकल जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके धागे का ऊपर वाले हिस्से का थोड़ा सा जो इसका नोक है, उसको हम काट के हटा देंगे ब्लेड की सहायता से। उसके बाद पका हुआ चावल लेंगे और चावल के दानों को इस तरीके से इसमें हम रब कर देंगे, क्रश कर देंगे, जिससे क्या होगा ना, और 10 से 15 सेकंड तक सूखने के लिए छोड़ देंगे इसे। तो ये जो है तार की तरह मुलायम हो जाएगा, मतलब तार की तरह टाइट हो जाएगा। उसके बाद इसे हम सुई में इस तरीके से लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसके अंदर से ये निकल जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो है नहीं बहुत ही आसान की। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा इस तरीके का, ये मिक्सी ग्राइंडर को लेकर के। क्या होता है ना, बहुत ही समय तक यूज करने के बाद इसका ब्लेड जो है वो मुरझा जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके ब्लेड को फिर से धार बनाने के लिए, पहले की तरह करने के लिए, जल्दी इससे पिसा जाए, उसके लिए हम इसमें ना नमक डालेंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला है। और नमक के डालने के बाद ढक्कन को लगा देंगे। उसके बाद हम 10 से 15 सेकेंड तक इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इसमें। तो क्या होगा ना, नमक के दाने से इसका ब्लेड जो है बहुत ही धार, पहले की तरह धार बन जाएगा इसमें, और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पिसाने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मतलब नमक को इसमें 10 से 20 सेकंड तक इसमें पीसा है, तो इस तरीके से। और ये पीसे हुए नमक को हम किसी भी सब्जी वगैरह में, कुछ भी चीज़ में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने कुछ वो किया नहीं है, बस इसका ब्लेड का धार बढ़ाने के लिए मैंने किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा इस तरीके के, हरे मटर को छिलके को लेकर के। तो हम जब भी क्या करते हैं ना, घरे में हरे मटर का इस्तेमाल करने के बाद हरे मटर के छिलके को फेंक देते हैं, या फिर गाय या भैंस को दे देते हैं। तो आगे समय ऐसा नहीं करना है, इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है, बहुत ही यूजफुल टिप्स है इसका। तो हम क्या करेंगे, कुछ हरे मटर को मैं धूप में सूखने के लिए डाल दी हूँ, और कुछ हरे मटर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से पानी में भिगो लिया। इसे 24 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पानी बचेगा ना इसमें भीगने के बाद, इसके पानी में इस हरा मटर का फ्लेवर आ जाता है। तो इस बचे हुए पानी को हम क्या करेंगे, हमारे घरों में जो पेड़ पौधा लगा रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो लगे रहते हैं, या फिर कहीं भी जिसका ग्रोथ नहीं होते रहता है, रुक जाता है, तो उस पौधे में हम इसे इस तरीके से डाल देंगे पानी सहित। तो क्या होगा ना, हमारा मतलब पौधे का जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होगा, और हमारा पेड़ पौधा बहुत ही खिला खुला रहेगा। तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।